वेलकम बैक गाइस टू अनदर पैलवर्ल्ड वीडियो। और आज की वीडियो में मेरे को फटाफट से लेवल अप करना है। लेवल अप होते ही मेरी कुछ चीज़ें अनलॉक होंगी। देखो मेरे को क्या अनलॉक करना है, 35 लेवल पे ये अल्ट्रा स्फीयर अगर अनलॉक हो गया तो फिर मैं खतरनाक पैल्स कैप्चर कर सकता हूँ। उसके साथ मेरे पास ये स्फीयर असेंबली लाइन 2 आएगी। इससे पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो देखना पड़ेगा। सर्किट बोर्ड तो मिल ही गए और एक कार्बन फाइबर भी मिल ही गया। बट अब फटाफट से लेवल अप करने के लिए मेरे को जाना होगा किसी बॉस को हराने के लिए। तो मैं देखता हूँ आप किस बॉस को हराते हैं, आओ। तो मैंने सोचा है कि ये एक पैल है, क्या ये मिनास्टिंग, इस मिनास्टिंग से जाके पंगा लेते हैं और इसको कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। लेवल 44 का है और ये है डेजर्ट वाले एरिया में। तो अगर डेजर्ट वाले एरिया में है तो डेजर्ट वाले पैल की क्या वीकनेस होती है, ज़रा थोड़ा सा पता करें। कहाँ है भाई डेजर्ट? ये रहा ग्राउंड टाइप होगा ना ये, तो ग्रास टाइप पोकेमोन ग्राउंड वाले को हरा देगा। तो ग्रास वाले पैल्स को ढूंढते हैं और उनको ले के जाते हैं। तो इस लड़ाई में एनुबिस तो काम ही आएगा, किसको रिप्लेस करूँ। ये कहीं उस साइड पे कोने में कहीं पे छुपा बैठा है। ये सफ़र कुछ लंबा होगा, पहुंच जाएंगे तो मैं बताता हूँ, पहुंच के मिलते हैं ना। तो गाइस मैंने ढूंढने की तो बहुत कोशिश करी मिनास्टिंग को, वो मेरे को कहीं दिखा ही नहीं। तो अब मेरे को लग रहा है कि वो शायद इस केव के अंदर होगा। अब देखते हैं भाई अंदर है कि नहीं। लोकेशन तो यही की होनी चाहिए। एक बार मैं यहाँ पर आने का ट्राई कर रहा था पहले भी, बट मेरे पास तब आर्मर नहीं थी या कुछ तो था कि मैं घुस ही नहीं पा रहा था। और एक केव से मेरे को याद तो आ रही किंग पाका की, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे थे। ओ ये रहा मिनास्टिंग भाई, क्या तगड़ा पैल है भाई ये। देखो भाई बिच्छू है भाई ये। लेकिन मेरे को भाई बच के ही रहना, मेरे को नहीं पता इनके अटैक्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। तो मैं पकड़ने तो ऐसे आया हूँ जैसे मैं आसानी से पकड़ लूँगा। हज़ार का डैमेज एक बार में दे दिया भाई उसने उसको। भाई वो किंग पाका के अटैक जितने स्ट्रॉन्ग हो उतने स्ट्रॉन्ग अटैक इसके ना हो तो ही अच्छा है, वरना तो मेरे को पड़ेगा नहीं। मेरे को नहीं लग रहा कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं इसके। उसके भाई बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं, इसके तो इतने नहीं हैं। तो मैं इसे अच्छा एक काम करता हूँ ना फटाफट निपटाने के लिए। अरे चलो ये हो जाएगा यार, इसमें भी हार गए फिर तो कॉन्फिडेंस ही चले जाएगा अपना। अरे कहाँ भाई मेरे पीछे क्यों आ रहा है ये शैडो बिग? भाई तू मेरे को बचा ना। अरे ये तो पॉइजन वाला अटैक कर दिया यार इसने। 30 एचपी जा रही है, ठीक है 30 एचपी अफोर्ड कर सकते हैं भाई। 250 एचपी जाएगी तो कैसे काम बनेगा। और ये शैडो बिग पे भी पॉइजन वाला इफेक्ट हो गया भाई, 50 का डैमेज पड़ रहा है उसको। लेकिन इसके अटैक से फिर भी बचा जा सकता है, हालांकि एक अटैक इसका बहुत ख़तरनाक है जिससे भाई ये 1000 एचपी डाउन कर देता है सीधा। हो जाएगा भाई। बट ये स्फीयर में कैप्चर होगा कि नहीं ये अभी भी डाउट है, क्योंकि वो किंग पा ये देखो ये आया भाई, 1000 एचपी वाला अटैक। वो किंग पा का भी कैप्चर नहीं हो पा रहा था, तो डाउट है कि ये मिनास्टिंग भी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इनके लेवल है 44। हालांकि ये सब जो मेरे पैल्स हैं उनके लेवल ज़्यादा हैं, बट ये कैप्चर हो गए थे क्योंकि ये बॉस पैल्स नहीं थे। लेकिन ये सब जो बॉस पैल्स हैं इनको कैप्चर करना शायद थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कोई नहीं, स्फीयर की कमी तो नहीं है अपने पास, सो तो हो गई है, बस ये मर भी ना जाए। इसका देखो कैप्चर रेट अभी भी 5% है। बड़ा शायद हो गया भाई। दिक्कत सिर्फ वो किंग पाका में थी और हमारा लेवल अप भी हो गया, तो जो काम करना था वो काम इजीली हो गया। अब फटाफट से एक काम करते हैं, ये जो हमारी नई चीज़ अनलॉक हुई है उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये रहे हमारे अल्ट्रा स्फीयर की असेंबली लाइन। अब देखो अब मेरे को टेस्ट करना है कि अल्ट्रा स्फीयर कितना पावरफुल है। तो उसके लिए किंग पाका से तो नहीं लड़ूंगा, जॉर्मोंटाइड को पकड़ने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रास्फीयर बनाने के बाद। तो जा दो मैं फटाफट अपने बेस पे और फिर मिलते हैं जॉर्मोंटाइड के पास। तो गाइस बेस पे तो मैं आ गया हूँ, बट मुझे सबसे पहले क्या बनाना है,
बिल्ड करनी है मुझे ये स्फीयर असेंबली लाइन, जिसके लिए रिफाइंड इंगेट तो मेरे पास हो जाएंगे, लेकिन ये सर्किट बोर्ड मैंने अनलॉक करा था कि नहीं करा था, सर्किट बोर्ड बनाना पड़ेगा। ये सर्किट बोर्ड देखते हैं अभी कि वो है। हाँ, सर्किट बोर्ड अनलॉक तो करा है, और सर्किट बोर्ड के लिए चाहिए क्या? सर्किट बोर्ड के लिए चाहिए पॉलीमर बनाना, मतलब तो इस पे तो नहीं बन पाएगी। अब ये पॉलीमर कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो मेरे को ये प्रोडक्शन असेंबली लाइन बनानी है। वो ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ये बना रखी है पहले, बट कोई नहीं, बना देते हैं। लेकिन ये लोकेशन सही रहेगी? ये जगह हमारे बेस के बाहर जा रही है, तो यहीं बनानी पड़ेगी। यहाँ बनाते हैं प्रोडक्शन बेस लाइन, क्या प्रोडक्शन, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है, प्रोडक्शन लाइन जो भी है। अब इसके अंदर मुझे मिलेगा ये सब सामान। तो मुझे चाहिए ये पॉलीमर, बना लेते हैं भाई पॉलीमर, जितना हो पाएगा उतना पॉलीमर बना लेते हैं। अब हमारी हेल्प करने अगर थोड़े से पैल कष्ट उठा लेते तो अच्छा होता था। तो ये ही बना देंगे ना पॉलीमर तो, और फिर अगर ये काम हो जाएगा तो फिर मेरे को बिछानी है स्फीयर असेंबली लाइन 2, और मेरे को चाहिए अभी इंगेट। तो इंगेट के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपनी फर्नेस पे और देखना पड़ेगा। लगा के तो मैं आया था यहाँ पे, इंगेट बने कि नहीं है, देखो बन गए। अरे इन्वेंट्री हो गई है फुल, इन्वेंट्री में भर गए हैं सामान, तो इस सामान कहीं रख के वापस करते हैं काम। अब आ चुकी है एक दिक्कत, मुझे चाहिए कोल ताकि मैं रिफाइंड इंगेट प्रोड्यूस कर पाऊँ, और मेरे पास कोल बिल्कुल नहीं है। हालांकि पॉलीमर और जो सर्किट बोर्ड है वो मैंने तब भी थोड़े बहुत बना लिए, बट उसकी भी मेरे को कमी होगी, क्योंकि मेरे को अब और क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पॉलीमर। और अब मेरे को बैठ के बस यही करना पड़ेगा, मैंने पॉलीमर बनाया, पॉलीमर भी ख़त्म होगा, और उसके लिए चाहिए हाई क्वालिटी पाम ऑयल, और इसके लिए चाहिए कोल। तो अब मैं जाता हूँ डेजर्ट वाले एरिया में कोल इकट्ठा करने, और ढूंढना पड़ेगा कि हाई क्वालिटी पाम ऑयल कहाँ से लेके आऊँ मैं। तो गाइस अगर मुझे हाई क्वालिटी पैल ऑयल चाहिए तो उसके लिए मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा मैं इनको मारूँगा मेरे को हाई क्वालिटी पैल ऑयल मिलने के चांस है। चार मिल गए, 6 हो गए, तो 2 हाई क्वालिटी पैल ऑयल मिलते हैं अगर 2 को मारा। चलो एक और आ गए, तो 8 हो गए। जो मेरे को ये हाई क्वालिटी पैल ऑयल दे, और मेरे को लगता है सबसे इजीली अगर किसी से मिलता है तो वो ये डुमुड जो भी है। अरे रे 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 भाई, ये फटने वाले पैल नहीं चाहिए भाई, ये फटने वाले पैल बहुत डेंजरस होते हैं भाई। तो गन पाउडर मिल रहा है इनसे, और फैदर मिल रहे हैं, वो तो काम के नहीं है, बट फटाफट अगर। और अच्छा, डिजिटॉइस से भी मिलता है सामान, तो डिजिटॉइस को भी मारता हूँ। और ये वापस नहीं, ये वापस तो नहीं आए, तो टाइम लगेगा रिस्पॉन होने में। मेरा शैडो भी कहाँ गया? मारो भाई फटाफट, इतना टाइम थोड़ी है, हमें फटाफट काम करना है। आज वो प्रोडक्शन असेंबली लाइन 2 जो भी है वो सेट हो जाए। तो 10 पैल ऑयल तो मेरे पास हो गए। अब मेरे ख्याल से मेरे पास इतना हो गया है कि मैं बना पाऊँ, तो 4 मिल गए इसके साथ, तो अभी तक तो बढ़िया है। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि कमी ना पड़े बाद में भी। तो हमारे पॉलीमर तो बन जाएंगे अभी। तो मुझे लगता है अब मेरा सारा काम हो गया है, मेरे पास सारा सामान शायद से आ चुका है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, इनको फ्रैक्चर हो गया। अरे इनको दिखेगा नहीं, बट क्या ब्रोकन बोन, ये सब क्या होता है, ये सब क्या कर रहे हैं भाई, हड्डियाँ तुड़वा दी है भाई। डेवलपिंग एंड ईटिंग ऑर्डर स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है भाई, अभी इनको बाद में देखते हैं, पहले मुझे मेरे काम करने दो। तो देखो सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो गई हैं मेरी, और अब फाइनली मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ।
तो मैं इसको यहाँ सेटअप कर देता हूँ, और फिर फाइनली हम अल्ट्रास्फीयर प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो एक अल्ट्रास्फीयर प्रोड्यूस करके देख लेते, बट मुझे नहीं लगता मेरे पास उतना सामान भी होगा कि वो अल्ट्रास्फीयर मैं आज के आज प्रोड्यूस कर पाऊँ, बट देखते हैं 22 सेकंड तक फटाफट काम कर दें बस ये। और फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे और फिर जाएंगे अगली वीडियो में जॉर्मोंटाइड को पकड़ने के लिए और अल्ट्रास्फीयर की पाल चेक करने के लिए। ओ तो हम अल्ट्रास्फीयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कितनी 4 की 4, और इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है जो मेरे को चाहिए वो है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे को मुश्किल से मिले, इधर ही होगा ना कार्बन फाइबर, उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, ये रहा चारकोल। अरे चारकोल चाहिए क्या, चारकोल तो पड़ा है अपने पास, चारकोल से कार्बन फाइबर तो मिल जाएगा। और क्या काम था, अरे बन भी गई। हाँ तो कार्बन फाइबर के अलावा कुछ मुश्किल है, सीमेंट, सीमेंट चाहिए, सीमेंट के लिए क्या चाहिए हमें। तो भाई अगली वीडियो में फिर बहुत सारा कार्बन फाइबर और बहुत सारे सीमेंट बनाने पड़ेंगे, तो कार्बन फाइबर तो बन ही रहा है, सीमेंट के लिए देखते क्या करना है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो।